सो ओके गाइज यार, फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने अपना काम स्टार्ट कर दिए हैं। यानी कि गाइज यार, पबजी मोबाइल को यहाँ पे बैन करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और गाइज यार, कल रात से ही प्ले स्टोर से गाइज आप लोग का जो पबजी मोबाइल या फिर पबजी मोबाइल लाइट धीरे धीरे करके गाइज हर एक मतलब जितना भी गाइज यहाँ पे आप लोग का डिवाइस है गाइज उससे धीरे धीरे करके बैन होना स्टार्ट हो चुका है। और गाइज यार, यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे लोग कल रात से गाइज मेरे को यहाँ पे डीएम में मतलब मैसेज कर रहे हैं। और गाइज यार, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि भाई देखो मेरा मतलब मोबाइल में पबजी मोबाइल ओपन नहीं हो रहा है। तो यस गाइज, कल रात से ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और गाइज यार, अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि गाइज फाइनली आप लोग का इंडिया में पबजी मोबाइल को बैन कर दिया गया। हालांकि गाइज अभी कुछ लोगों का गाइज यहाँ पे पबजी मोबाइल ओपन हो रहा है क्योंकि गाइज यार अभी आप लोग का थोड़ा सा और टाइम लगेगा। और मोस्ट प्रोबेबली गाइज आज आप लोग का सुबह 10 या 12 बजते बजते गाइज सभी मतलब आप लोग का पबजी मोबाइल जितने लोगों के पास भी गाइज सबका यहाँ पे सर्वर डाउन हो जाएगा। और गाइज यार, आई गेस यहाँ पे फिर कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा पबजी मोबाइल को इंडिया में रहकर। और साथ में गाइज यार, यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे लोग यार मेरे को ये भी स्क्रीनशॉट भेजा कि भाई मेरा पबजी आईडी बैन हो गया। इसके पीछे गाइज मतलब रीजन यही है कि अगर आप लोग गाइज अभी फिलहाल के लिए पबजी मोबाइल को लॉग आउट करके अपना सेकेंड आईडी ओपन करने की कोशिश करते हो तो गाइज यार बहुत सारे लोग का यहाँ पे 10 से 15 दिन के लिए आईडी बैन हो रहा है। तो गाइज यार, जब तक आप लोग का पबजी मोबाइल अभी ओपन हो रहा थे, और मैं एक ही चीज आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि गाइज जो भी आईडी आप लोग को पबजी मोबाइल में ओपन है बस उसी से गाइज थोड़े टाइम के लिए और खेल लो। और गाइज मुश्किल से मेरे को लगता है कि आज आप लोग का 12 बजे तक मतलब ये सर्वर रहेगा इंडिया में, उसके बाद गाइज धीरे धीरे करके इसको हटा दिया जाएगा। और चलो गाइज यार, मैं आप लोग को अपने मोबाइल में गाइज लेके चलता हूँ प्ले स्टोर में और देखते गाइज कि फिलहाल के लिए क्या मेरा मतलब यहाँ पे डिवाइस में पबजी मोबाइल यहाँ पे दिखता है या फिर नहीं। तो गाइज यार, यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा इंडियन जीमेल आईडी है। और गाइज यहाँ पे जैसे ही मैं पबजी मोबाइल सर्च करता हूँ तो गाइज देख सकते हो यहाँ पे पबजी मोबाइल और पबजी मतलब लाइट को आप लोग का यहाँ पे हटा दिया गया। और गाइज यार, अगर यहाँ पे मैं आप लोग को देख सकते हो गाइज, अगर अपना यूएसए वाला जो मेरा जीमेल आईडी है, अगर वहाँ पे मैं पबजी मोबाइल सर्च करता हूँ तो गाइज देख सकते हो फिलहाल के लिए यहाँ पे आप लोग का जो पबजी मोबाइल गाइज वो अवेलेबल है। यानी कि गाइज जो भी जिनका भी मतलब इंडिया के अलावा कोई अदर जीमेल आईडी है तो गाइज उसमें फिलहाल के लिए प्ले स्टोर पे आप लोग का पबजी मोबाइल अवेलेबल रहेगा। लेकिन गाइज यार, क्या फ़ायदा अगर गाइज आप लोग का मतलब पबजी मोबाइल ओपन ही नहीं होगा तो गाइज क्या फ़ायदा अगर मान लीजिए यहाँ पे आप लोग का पबजी मोबाइल अवेलेबल भी रहेगा तो। क्योंकि गाइज आज ही आप लोग का बहुत ही जल्द मतलब आप लोग का एक्शन लेना स्टार्ट हो जाएगा और गाइज इंडिया सर्वर से आप लोग का पबजी मोबाइल को बैन कर दिया जाएगा। और गाइज मतलब मोस्ट प्रोबेबली गाइज आप लोग का आज 12 बजे तक सभी लोगों का पबजी मोबाइल बैन हो जाएगा। और गाइज यार, अभी तक पबजी मोबाइल की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया गाइज। अब यार मेरे को लगता भी नहीं है कि पबजी मोबाइल यार कुछ यहाँ पे करेगा। देखते गाइज यार, अभी फिलहाल के लिए तो टाइम है पर गाइज इंडियन गवर्नमेंट ने अपना मतलब काम स्टार्ट कर चुके हैं और गाइज फाइनली आज आप लोग का पबजी मोबाइल बैन हो जाएगा। मेरे को भी पता है गाइज काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे पबजी मोबाइल से इमोशन जुड़े हुए हैं, लेकिन गाइज यार आज आप लोग का फाइनली पबजी मोबाइल बैन होने वाला है। और गाइज अब हम लोग बस एक ही चीज़ का वेट कर सकते हैं, वो है गाइज पबजी मोबाइल की तरफ से क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है और गाइज वो लोग कितना ज़्यादा यहाँ पे ट्राई करते हैं कि मतलब इंडियन गवर्नमेंट से बात करके कितना जल्दी पबजी मोबाइल को अनबैन करते हैं। बाकी गाइज एक बार सर्वर कंप्लीट यहाँ पे मतलब बैन हो जाने दीजिए, उसके बाद गाइज मैं देखता हूँ कि क्या केआर वर्जन चलता है या फिर नहीं। अगर गाइज वो भी नहीं चलेगा तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज मैं आप लोग कंप्लीट बताऊँगा कि आगे का क्या प्लान है, मतलब क्या हम लोग सीओडी मोबाइल खेलेंगे या फ्री फायर खेलेंगे या फिर गाइज कोई और अदर ऑप्शन है, सब कुछ गाइज आप लोग से बात करेंगे। उसके बाद गाइज मैं कंटेंट क्रिएटर से भी यार मतलब बात करूंगा और गाइज देखते कि क्या प्लानिंग होता है आगे का। उसके बाद गाइज मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा कि आगे का क्या प्लान होगा और क्या कुछ मतलब मेरे चैनल में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यस गाइज, फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी यार मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.